बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है, उनकी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए एक्टर हर वक्त टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं। इस बीच एक शॉकिंग खबर सामने आई है। सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर दो लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। दोनों युवक तार तोड़कर फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मामला 4 जनवरी का है। शाम 4 बजे दोनों ने तारकोल और पेड़ों के परिसर के माध्यम से वाजे गांव में सलमान खान के अर्पिता फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की थी। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने अपना गलत नाम बताया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा गार्ड्स को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और उन्हें सौंप दिया। दोनों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले, फिर पुलिस ने मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन संदिग्धों के नाम अजेश कुमार ओम प्रकाश गिल और गुरुसेवक तेज सिंह है। दोनों खुद को सलमान खान का फैन बता रहे हैं। सलमान खान के फार्म हाउस में दो अज्ञात लोगों के घुसने का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक्टर को बीते कई सालों से गैंगस्टर्स की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने दबंग खान को खुलेआम धमकी दी है। वो सलमान खान पर 2 बार हमले की कोशिश भी कर चुके हैं। सलमान को धमकी मिलने का सिलसिला 1998 से चल रहा है। इसी साल काला हिरण शिकार मामले में दबंग खान का नाम सामने आया था। बिश्नोई समाज में सलमान खान का तब से विरोध जारी है। उनकी फिल्मों का ये समाज बहिष्कार भी करता आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक्टर को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने पुलिस पूछताछ में सलमान की हत्या की साजिश का खुलासा किया था। लॉरेंस ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने एक्टर को मारने के लिए राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा को सुपारी दी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से है। वे लोग जानवरों को, खास तौर पर हिरण को, भगवान समान मानते हैं। वे काले हिरण की पूजा करते हैं। ऐसे में जब सलमान खान का नाम काला हिरण शिकार केस में आया तो लॉरेंस ने सलमान को मारने की धमकी दे डाली। पिछले साल 18 मार्च को सलमान के लिए धमकी भरा ईमेल आया था जिसमें लिखा था, गोल्डी बराड़ को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख लिया होगा उसने शायद, नहीं देखा हो तो बोल दियो, देख लेना। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो वो भी बता दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इसके बाद 10 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम में एक्टर के लिए धमकी भरा कॉल आया था जिसमें शख्स ने कहा था वो 30 अप्रैल को सलमान को खत्म कर देगा। वहीं आज तक को दिए इंटरव्यू में कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कहा था, सलमान खान भी हमारे टारगेट पर है, मौका मिलेगा तो जरूर मारेंगे।